अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव कि हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जो है कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में बहुत टाइम बाद कॉलेज जा रही हूँ। गाँव गई हुई थी मैं और 3-4 साल हो गए मेरे को कॉलेज कम्प्लीट किए हुए। तो मैं जो थी गेम्स में थी, तो हमारा अभी दिल्ली स्टेट चल रहा है बेसबॉल का, तो आज फाइनल मैच है। मैच तो मैं खेल नहीं पाऊँगी क्योंकि हल्द्वानी गई हुई थी, तो मैंने सोचा फाइनल मैच देखने चली जाती हूँ कॉलेज। तो आप सभी को भी पता चल जाएगा कि मैं कौन सा गेम खेलती थी करके, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते थे। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैच स्टार्ट हो गया होगा, मैं लेट हो गई हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है मैं मेट्रो से जा रही हूँ क्योंकि बस से जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और क्योंकि 4-5 बस चेंज करनी पड़ती थी मैं कॉलेज जाने के लिए उस टाइम पे। अभी जो है मैं मेट्रो से जाती हूँ। मेट्रो से उस टाइम पे नहीं जाते थे क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा लग जाता था हमारा और रोज़ जाना हुआ कॉलेज, तो इसलिए बस से जाते थे। सुबह 6 बजे निकल जाते थे हम कॉलेज के लिए, रात को ही आते थे, पहुँचते थे फिर घर। कभी कभी लिफ्ट लेके भी जाते थे, लेट हो जाते थे तो ग्राउंड में प्रैक्टिस होती थी। तो उस टाइम के मतलब मैं मज़े ही कुछ अलग थे, मज़े तो क्या संघर्ष भी थे। छः 7 महीने गांव क्या रही मैं, यहाँ तो पूरा रास्ता ही चेंज हो गया, मेट्रो का रास्ता ही अलग बना दिया यहाँ पे एरो सिटी वालों ने, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है मेरे को। मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। कार्ड ख़रीदना पड़ा, 3-4 कार्ड ऑलरेडी थे घर में पर कहीं जाना होता तो मिलते नहीं है। तो मेट्रो अभी आई नहीं है, यहाँ पर टाइम लगता है मेट्रो को आने में, यहाँ वाले स्टेशन में मतलब 15 मिनट या 20 मिनट लगते ही हैं एक मेट्रो को आने में। इनको पता नहीं है कि मैं इनके कॉलेज की थी, मतलब इनके सीनियर हूँ करके। हाँ इसको पता है। पहाड़ी कौन कौन है इसमें से? पहाड़ी हो आप? नेपाली। लग तो पहाड़ी रहे हो। मतलब पापा नेपाली की, मम्मी साउथ इंडियन। अच्छा नाइस कॉम्बो। सरकार की जय। मैंने की सजा पिक्चर को बनेगी, प्लेट पे बनेगी, स्ट्राइक को भी केवल जज कर रही है, प्लेट पे खीर बनेगी। एक इटा चलो श्वेता दी गोल पिक्चर, गोल टाइम आउट, स्ट्राइक आउट हो गई। बता बोंचे कहां लगेगी ये? मैं अपने रिस्क पे लेकर बोल रही हूँ। हाँ हिट अंदर मारेगी। चल ठीक है देखते हैं। एसएस तक तो जाएगी। प्रीतम ने देखेगी व्लॉग ये? एसएस तक जाएगी। चल ठीक है। अरे नहीं सेंटर आउट आई। अब देखते हैं कहाँ जाती है। ओ यार आउट। मैंने कुछ तो बोला था प्ले करने के लिए, स्ट्राइक ही दी ना। डाउन बॉल
यहाँ इट मार के आई हो यार, प्लीज वीडियो बन जाएगी मेरी मस्त। चलो गुप्ता जी इट मार दे यार। माता माता गुप्ता जी आप आजा आप आजा आप आजा मार दे यार। चल ले हाँ शॉपर बता आप क्या मारेगी, हिट मारेगी या स्ट्राइक मारेगी? पिचर मारेगी ना स्ट्राइक। मतलब कि स्लाइडर घुमाएंगी। अच्छा चलो देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। कम ऑन पिचर, कम ऑन पिचर, आउट आउट। मैच ड्रॉ हो गया सही में? मलिक सर ने बोल दिया ना लीग चल रही है ना, नॉकआउट नहीं है ना। अच्छा अच्छा ड्रॉ हो गया मैच, ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, जी दे, ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, ये हाय। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? इन्होंने बहुत अच्छी हिट मारी पर मैच ड्रॉ हो चुका है। देवा इधर आओ दोबारा सही बैट लग दोबारा। ओके गाइस क्या हुआ मैच का? क्यों बताएं यार, मैं नहीं खेल रही, मैं जा रही उत्तराखंड। तूने तूने आज बहुत अच्छी हिट मारी। हाँ और तू बहुत लेट है यार, मुझे बहुत गुस्सा है तुझसे इसलिए। तो गाइस मैं इसकी हिट नहीं देख पाई क्योंकि मैं मेट्रो में लेट हो गई थी। अब बहुत ज्यादा मेट्रो में नहीं सो के ही लेट उठी है या मेरे को यकीन नहीं हो रहा। बोल रही है मैंने सुबह उठाया था इसको बकायदा कॉल करके। यही नहीं अभी और सुनिए। तो गाइस आप इसकी बातें ना सुनिए। और यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ से यहाँ तक भाग लेती थी, आज ग्राउंड बहुत बड़ा लग रहा है। और मैं कैसे भागी मुझे ही पता है। चलो अब बॉयज का मैच स्टार्ट हो रहा है। बाय। तो इन्हें एक और मौका दिया है, लास्ट इनिंग बची है अभी। हाँ, ये लास्ट है। इतना शर्मा क्यों रही है फिर? इसको यकीन नहीं हो रहा उत्तराखंड के हो तब पहचानते हो। वाओ नाइस, मेरे को बिहार से भी पहचानते हैं लोग। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया बेटा, तीन आउट लेने हैं अब, दिखाएगा तो पूरा ही दिखो। चलो चलो रेडियो आपकी बार मार दियो यार, हिट मार के आएगी ना पक्का सच्ची। तो मारी देगी यार। ओ जीत गए ना।
अब तो जीत गए। अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, अब जीत गए। गुड, बढ़िया बढ़िया। अब अच्छी लग रही है सबके फेस पे स्माइल। इधर ला, इधर इधर। तो गाइस इसने मार दी हिट, मैंने इसको डेयर दिया था और इसको मिला है वुमन ऑफ द मैच थम्स अप। यही है इसकी एनर्जी का राज। और ये हमारे दो नमूने, ये दो लिगामेंट के, इन दोनों के लिगामेंट टूट रखे। अबे यार मेरे भी, मेरे अब तक दर्द होता है घुटनों में। आज हमारी बरसों पुरानी दोस्त आई है पहाड़ों से, पहाड़ों से आज आई है ये, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरा कॉलेज का नाम क्या है? लक्ष्मी बाई कॉलेज। मेरा नाम देवा। देवा लोग भी सोचेंगे आज कि देवा नाम। मैं ऐसे नहीं भागती थी यार। अबे यूं बांध लेना ये। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप। अंगूर कहें इसमें अंगूर है, तुम्हें ये अंगूर भी आया है। अरे बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। थैंक यू दी, थैंक यू दी। और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं तो इनके व्लॉग देखती रहती हूँ, मन ही नहीं लगता है ना शेयर करने। व्लॉग कितने अच्छे होते हैं ना। व्लॉग जो अब बना रही हूँ मैं, एक महीना ही हुआ है, एक दो महीने। रील्स बस वो निकाल ले, उसको यूं कर ले, यूं कर। अरे क्या कर ले, कैसे मनुष्य लग रहे हो? मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। छोले कुलचे खा लिए हैं, अब हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। भैया लोग का फाइनल है, उसके बाद क्लोजिंग होगी। तो अभी ये लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं मजे में। गौतम के साथ झूला झूल कर आई मैं, और वह फिर लगी। मैं बोल रही थी कि वैसे 18 की टीम होती है, लेकिन सिर्फ 9 ही खेलते हैं, प्लेइंग 9 होती है। हाँ, और ये एक डायमंड के अंदर होती है, डायमंड बना होता है उसके अंदर खेलते हैं। वही नॉर्मल बैटिंग होती है, फील्डिंग होती है, बॉलिंग होती है। क्रिकेट की तरह। हाँ हाँ, हमें 7 बोले मिलेंगी, जिसमें से 3 हमें एकदम परफेक्ट अपना बेल्ट लेवल मारना होता है। बेल्ट से जो नीचे गिर रही होगी बेसबॉल में, वो मारना होता है, उस पे बैटिंग करनी होती है हमें अपनी। देखने पड़ती है बॉल भी कौन सी वाली। हाँ, कि कौन सी हम जज करके वो मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ में हम तीनों ने एक साथ ही गेम खेला है। 2016 से 2019। हाँ, पास आउट एक साथ हुए हैं, मस्ती एक साथ करी हमने। तो मैं भी गेम्स में थी, बेसबॉल ही खेलती थी। हाँ, और अभी भी खेल लेगी। हाँ, पर ये आ नहीं रही है। अब मैं उत्तराखंड में ज्यादा घूमने लग गई हूँ। हाँ, और हमें भूल गई है, और ब्लॉगर बन गई है, अब तो कहाँ ही आएगी यहाँ। छोटे पर्दे पे कहाँ दिखेगी अभी। हाँ, बड़े पर्दे पे दिखना पसंद नहीं है अभी, पर्दे नहीं है, धूप में नहीं दिखना चाहती। इसका मेन है धूप। हम साथ में कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश गए थे, एमपी, सीनियर नेशनल, उड़ीसा भी गई है, उड़ीसा भी गए हैं, और हमने इंटर कॉलेज भी सारे साथ, पोलो ग्राउंड भी गए हैं। ओ बे, स्विंग कर दिया, सेव। ये कौन है? कुलदीप। अच्छा, और ये कुलदीप बहुत बेहतरीन तरीके से सेव होते हुए। हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि वैसे तो कुलदीप अच्छा प्लेयर है। हाँ, लेकिन वो आउट होते होते रह गया। अच्छा, ये माइक है कि ये क्या फिर? लेकिन जो कैच, हमारा जो कैचर है, उसने थ्रो थोड़ा टप्पे में मारी, परफेक्ट मारता तो लड़का आउट था। और ये बेहतरीन हिट निकली 2 प्लेयर के बीच में से, और ये बाहर। अरे भागते हुए होम
और हमें बड़ा अफसोस है कि ये फाउल हिट थी जो कि लाइन हमारे एरिया से बाहर की है, तो एरिया के अंदर ही मारना होता है। हाँ, बाहर मारोगे तो फाउल हिट हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे हमारे साथ मिस सोनिया सावाना उर्फ शिंचो या नून सावाना और ये बहुत गंभीर मैच चल रहा है, सीनियर वर्सेस सीनियर सीनियर रॉयल्स क्लब वर्सेस क्या थे कालो ब्लैक वॉरियर्स उर्फ कालो और ये जतिन नाम का लड़का बैटिंग पे आते हुए, टी शर्ट नंबर नहीं है इसका, नाम जतिन भालोटिया, पिच पे आते हुए और ये बहुत बेहतरीन शॉट निकाला और ये होम रन का रन काउंट, बहुत बढ़िया हिट मारी जतिन ने, जोरदार तालियां तालियां तालियां, गुड इट जतिन, आप छा गए हो। थोड़ा सा रह गया, संदीप भैया कैच कर लेते, अगर थोड़ा पीछे होते ना डीप खेलते। ऐसे हमारे अच्छे भैया हैं, लेकिन अफसोस कि कैच थोड़ा ज्यादा ऊपर था। फिर मैच में चलते और ये गंभीर मैच चल रहा था, लेकिन ये क्या, हमारे आउटफिट्स थक गए हैं काफी ज्यादा, धूप काफी तेजी से आते हुए इन्होंने ओखली लगाई है, लेकिन ओखली काम नहीं कर रही, पैरों में दर्द हो गया और वो बैठ चुके हैं, बैठ के रेस्ट ही कर रहे हैं ना ये, देखो जरा बस पोजीशन थोड़ी ठीक है पर गलत बैठे ये कौन सी पोजीशन, थोड़ा ठीक से बैठो, चार नंबर, बहुत बढ़िया टर्न हिट, ओ मार दे, टप गई साइकोलॉजी पढ़ी है ना, एक बार देख तो ले मेरे पैर कहाँ हैं, अभी नहीं बताऊंगी, पैसे लगते हैं इस चीज के, साइकोलॉजी पढ़ी है, मेरे बारे में बता दे यार, डेढ़ सौ रुपया लेगा चेहरा देख के पता चल जाता है ना क्या लगता है मेरे चेहरे से, हाँ थोड़ा तो बताओ, थोड़ा सेकंड ईयर में आपको शक्ल देखिए, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत तो नहीं हूँ बाकी बच्चे तुम सारे बढ़िया हो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारा गोल्ड उठाएंगे, नेशनल गेम में गोल्ड उठाना इस बार, तो गाइस क्या बोलते हैं, ट्रॉफी मिल चुकी है, तो गाइस मैच जो है ख़त्म हो चुका है और सीनियर टीम जीत गई है गर्ल्स में, और बॉयज़ में भी सीनियर ही जीते ना, हाँ तो अब हम जो है घर जा रहे हैं, धूप में खतरनाक टैनिंग हो जाती है, अब मैं जा रही हूँ घर को, ये एक्चुअली मेरे को उत्तराखंड की वजह से नहीं जानते, टिकटॉक की वजह से जानते हैं, बॉय लुक की वजह से, पर अच्छा ही लग रहा है, देर से हम बिछड़ने वाले हैं, इनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इन्हीं के कॉलेज की हूँ, इन्हीं के गेम की हूँ, सच में ये तो काउंट हो गई, मैं मेरी शक्ल बन गई, हाँ ये को ये, हाँ कैसे ये दीदी कैसे, तब हम जा रहे हैं अलग अलग रूट से, बिछड़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ओके फिर मिलते हैं, बाय बाय। Oh, oh, oh.